हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज है 15 जून और आज के इस वीडियो में हम 15 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित किया है जिसे आई फ्लोज मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा संस्था है जिसने मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित किया है? तो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित किया है जिसे आईफ्लोज मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसे किसे विकसित किया है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ने 12 जून 2020 को मुंबई में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ संयुक्त रूप से बाढ़ चेतावनी प्रणाली का शुभारम्भ किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत में होने वाली अत्यधिक वर्षा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जुलाई 2019 में आई फ्लोज मुंबई का ग्रेटर मुंबई के नगर निगम के साथ मिलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इन हाउस विशेषज्ञता का उपयोग करके शुरू किया गया था। बाढ़ की चेतावनी प्रणाली बाढ़ की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करके मुंबई की लचीलापन में सुधार करने में मदद करेगी, खासकर जब उच्च वर्षा या चक्रवात आते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोविड 19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश में लॉन्च किया? कोविड 19 रोगियों के इलाज हेतु प्लाज्मा नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो इसको ने लॉन्च किया बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, बांग्लादेश सरकार द्वारा सहजोधा नामक पहल शुरू की गई कोविड 19 से उभरने वाले मरीजों और अभी भी कोविड 19 संक्रमण के इलाज में जुटे मरीजों के बीच प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए पहल एक ऑनलाइन नेटवर्क है। सरकार के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी DGHS स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ साझेदारी में यह पहल की शुरुआत किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने उच्च संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा IIT संस्थान है जिसने शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर आया है? तो है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने मद्रास ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा संस्थान के भारत रैंकिंग 2020 में सुप्रीम कोर्ट बेंगलुरु के बाद पहली रैंक हासिल किया है। विभिन्न श्रेणियों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 श्री रमेश पोखरियाल निशंक 11 जून 2020 को या कब घोषित किया गया? तो 11 जून 2020 को श्री रमेश पोखरियाल ने मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी की गई रैंकिंग है। रैंकिंग 5 व्यापक श्रेणियों के संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर की गई है। रैंकिंग को 10 श्रेणियों में डिजिटल रूप से जारी किया गया है और यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है। पहले की रैंकिंग में केवल 9 श्रेणियां शामिल थीं और डेंटल के डोमेन को 2020 की रैंकिंग में पहली बार पेश किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कुल 10 श्रेणियाँ हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है? तो है शोभा शेखर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मेलबर्न की रहने वाली संगीतकार शोभा शेखर को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है और उन्हें समुदाय और देश की सेवा में उनके योगदान के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। वह ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति के संस्थापक हैं। तो चुना गया संगीतकार को शोभा शेखर को जो मेलबर्न में रहने वाली हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना SIP किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम की पहल
पर अद्वितीय सरकार क्षेत्र विभाग वित्त संगठन राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम NCDC द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान, जिसमें स्वदेशी उत्पादों का गर्व से प्रचार करने पर विशेष जोर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 11 जून 2020 को किया गया है। इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? तो 11 जून 2020 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस पहल का निर्देश क्या है? तो इस पहल का निर्देशन सहकारी क्षेत्र के उद्यमिता विकास पारिस्थितिकी तंत्र में किया गया है, जो क्षमता विकास का निर्माण करके और युवाओं को सशुल्क इंटर्नशिप प्रदान कर रहा है। पहल के तहत उदार सहमति पर स्टार्टअप मोड पर युवा सहकारी समितियों में सुनिश्चित परियोजना ऋण प्रदान किए जाएंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रतन लाल ओहिया स्टेट यूनिवर्सिटी, इसे सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर ए, रतन लाल को। फ्रेंड्स, ओहिया स्टेट यूनिवर्सिटी के कृषि मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रतन लाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के अध्यक्ष बारबरा स्टिंसन ने 11 जून 2020 को वाशिंगटन से एक समारोह में घोषित किया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एविलिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 13 जून, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस का उद्देश्य एविलिज्म के शिकार लोगों से विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एविलिज्म जागरूकता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो मेड टू साइन था। थीम क्या था इसका? मेड टू साइन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किसको प्राकृतिक सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? तो है CSIR, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया। इस सूची में वैश्विक रूप से शीर्ष अंके गए भारतीय संस्थानों में 39 संस्थानों का एक समूह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 160वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 144वें स्थान पर है। प्राकृतिक सूचकांक 2020 रैंकिंग के अनुसार विश्वविद्यालयों IIT, ISR एवं अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं में सहित शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों के बीच अपनी जगह बनाई है। रैंकिंग अविभाजित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध और शोध की गुणवत्ता पर आधारित है। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु 14वें स्थान पर एवं SS बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कोलकाता 30वें स्थान पर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू एवं कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो बने फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, फिलीपींस एक एस शंभू एस एंड कुमारन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने स्वचालित मास्क निपटान मशीन B19 लॉन्च किया है? निम्न में से किसने मास्क निपटान मशीन B19 लॉन्च किया, यानी मास्क बनाने वाला B19 मशीन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है BST मोबिलिटी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, B19
नामक एक स्वचालित मुखौटा निपटान मशीनों को COVID-19 संक्रमण से निपटने में मदद करने के लिए उत्पादों के विकास के प्रयासों में सहायता करने के लिए केरल स्थित स्टार्टअप BST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपकरण को श्री चित्रा तिरुवनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम के सहयोग से विकसित किया गया है और यह चित्रा UV आधारित फेस मास्क निपटान बिन तकनीक पर आधारित है। SCTIMST संस्थान त्रिवेंद्रम में स्थित है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान माना जाता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।